वी द पीपल, हम भारत के लोग, जहां भी सारे लोग हम इकट्ठे हो रहे हैं वी द पीपल के नाम से या हम भारत के लोग के नाम से, चाहे वो मीटिंग्स जो जूम पर या किसी पोर्टल पे हो रही हैं इंटरनेट पर, या मीटिंग जगह जगह हो रही हैं, लोग मिल रहे हैं। इस मिलने के पीछे इन साधारण लोगों का एक मकसद है कि उनके जो अधिकार हैं वो बचें, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जो 70 साल के अंदर बाबा साहब अधिकार लेके आए थे, वो सारे के सारे अधिकार लगभग जा चुके हैं। जो लोग अपने आप खुद नेता बन के आए थे, क्योंकि समाज ने कभी नहीं कहा कि आप हमारे नेता बनो, उन लोगों ने खुद ही अपनी इच्छा जाहिर की कि हम समाज के नेता हैं। उन नेताओं ने ये बीड़ा उठाया कि वो समाज के अधिकारों को बचाएंगे, बाबा साहब जो कारवां लेके आए हैं उसको पीछे नहीं जाने देंगे, आगे बढ़ाएंगे। वो इसको रोकने में, बाबा साहब के लाए हुए अधिकारों को रोकने में असफल रहे, नाकारा रहे, नाकाबिल रहे, कर नहीं पाए। उन्होंने हमको कहा कि संगठित रहो, संगठित रहो। बाबा साहब ने कहा है संगठित रहो, हम लोग संगठित होते चले गए, मगर वो लोग संगठित नहीं हुए। वो लोग हमेशा हमसे कहते रहे कि देखो, हमें किसी बाहर के आदमी ने 6,743 टुकड़ों में, 6,743 जातियों में, 6,743 दड़बों में, 6,743 बाड़ों में तोड़ा हुआ है, बांधा हुआ है। हम अलग अलग घर में रहते हैं, जिनको जाति बोलते हैं, जातियों के घर में, और इस जाति में एक जाति से दूसरी जाति में आने जाना मना है, इसी जाति में जीना है, इसी जाति में मरना है। इसके जो जाति के जो अगुआ हैं वो एक दूसरे को आने नहीं देते, ऐसे नियम हैं, ऐसा हमको बताया गया। मगर ऐसा बताने वालों ने खुद 10,000 संगठन बना लिए, बल्कि 10,000 से भी ज़्यादा संगठन बना लिए, चाहे वो धम्म के, धम्मिक या बौद्ध धम्म के हों, जिसके सैकड़ों संगठन, सैकड़ों ब्रांच हैं, चाहे सरकारी कर्मचारियों के, जिनके सैकड़ों संगठन, सैकड़ों ब्रांच हैं, यहाँ तक कि एक एक सरकारी जो संगठन है या जो एक सरकारी संस्था है उसके अंदर भी कई कई संगठन हैं, चाहे वो युवाओं का दल बल सेना संगठन, ब्रिगेड, शक्ति, कमांडर, जो कुछ भी वो बनाते हैं, चाहे उनके हैं, वो भी टुकड़ों में हजारों संख्या में बटे पड़े हैं, चाहे वो सामाजिक संगठन है जो साहब काशीराम ने बामसेफ के नाम से किया, या और उनको देखकर उसी पैटर्न पे बहुत सारे लोगों ने कॉपी पेस्ट करके बनाए हैं, या राजनीतिक संगठन है जो हर गली मोहल्ले में कोई ना कोई राजनीतिक पार्टी रजिस्टर्ड होके बनी हुई है। ऐसे संगठन 10,000 से ज़्यादा बताए जाते हैं, और वो खुद ही भाषणों से और मन से बताते हैं कि पूरे भारत में 10,000 से ज़्यादा संगठन है। कोई कोई तो कहता है कि 23, 24 या 35 हज़ार तो रजिस्टर्ड ही हैं, होंगे, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा क्रांति लोग कर रहे हैं, जानकार लोग हैं। तो अब हमारे पास में टूटने के लिए 6,743 जातियाँ हैं और 10,000 से ज़्यादा संगठन हैं, तो 16,743 के करीब अब ये जातियाँ या संगठन हो गए हैं, यानी हम जिनसे पहले परेशान थे वो और भी ज़्यादा बढ़ गए हैं। पहले वाले जो बनाए थे, जो जातियों के नाम से थे, वो बाहर के आदमी ने बनाए, और अब वाले इसलिए बनाए कि उन जातियों को तोड़ना था, ख़त्म करना था, बाबा साहब के अधिकार बचाने थे, तो उन्होंने 10,000 से ज़्यादा संगठन बना लिए। हर एक व्यक्ति नेता बनकर घूम रहा है, मगर रिजल्ट नेगेटिव आ रहे हैं। बाबा साहब का जो अधिकार है वो सारे सारे चले गए, हमारी जो शिक्षा है, हमारी एजुकेशन है, वो चली गई, महंगी हो गई, अब डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पाएंगे। जो हमारी सरकारी नौकरियां थीं वो सरकारी नौकरियां सब लगभग ख़त्म हो गई, क्योंकि सरकारी डिपार्टमेंट ख़त्म हो गए, और जो एडमिनिस्ट्रेशन में नौकरियां थीं वो भी डायरेक्ट भर्ती होने लगी। अब UPSC या कंपटीशन या रिजर्वेशन की आवश्यकता है नहीं, उसको लेटरल एंट्री बोलते हैं, सब इसको जानते हैं, पता है। इंडस्ट्री हमारे पास है नहीं, कोई हमारे पास उद्योग धंधा है नहीं, ज़मीनें हमारे पास अब रही नहीं, पहले हम ज़मीनों के मालिक रहे होंगे, मगर अब ज़मीन नहीं है। तो हमारे पास में प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने के लिए बची है, प्राइवेट सेक्टर में जो नौकरी है वो रिश्तेदार को मिलती है, या जात के आधार पर मिलती है, कास्ट के आधार पर मिलती है, तो उसका चांस भी बेकार है, और अगर वो मिलेगी तो आपको मजदूरी करनी पड़ेगी, 12 घंटे काम करना पड़ेगा और 10-12 हज़ार रुपये आपको मिलेंगे। तो ये सारे के सारे जो मौके जो बाबा साहब लेके आए थे, जो अपॉर्चुनिटी लेके आए थे, वो सारे के सारे इन निकम्मे, नालायक, नाकाबिल जो नेता जो खुद आए, जिन्होंने खुद अपनी इच्छा जाहिर की कि हम आपके नेता बनेंगे, उनकी वजह से ये चले गए। जो हमारे जैसे साधारण लोग हैं उनको ये चिंता हुई कि भाई ये बाबा साहब का जितना भी लाया हुआ कारवां ये बहुत पीछे चला गया,
इन नेताओं को रिक्वेस्ट करनी चाहिए, इन नेताओं के हाथ पैर जोड़ने चाहिए। तो पिछले 4 साल से लगभग इन नेताओं के खूब हाथ पैर जोड़े जा रहे हैं, जगह जगह इनकी मीटिंग की जा रही है, मगर ये जितने भी लोग इकट्ठे होते हैं ये कहते हैं कि तुम सबका नेता मैं ही रहूँगा, यानी कि वो इस बात से बंधे हुए हैं कि सबका नेता मुझे मानो। हर नेता यही कहता है कि सबका नेता मैं ही बनूंगा, मेरे ही नीचे आ जाओ, मुझे ही नेता मानो। और ये सारे इकट्ठे होने को कहीं भी तैयार नहीं है, उसकी बात भी नहीं करते हैं। तो ये आह्वान किया गया कि इन सारे नेताओं को पैसा देना, इनके सब पास जाना, इनका सपोर्ट करना, इनकी बात करना बंद कर देना चाहिए। मगर ऐसा देखा गया कि ये नेता फिर भी मानने को तैयार नहीं है। बहुत इनकी खुशामद करने के बाद में फिर ये समझ में आया कि हम साधारण लोगों को ही इकट्ठे हो जाना चाहिए, क्योंकि ये नेता हमको कहते हैं संगठित रहो, संगठित रहो, संगठित रहो। बाबा साहब ने कहा है कि संगठित रहना है, मगर ये हमको संगठित करने के लिए कहते हैं, हम संगठित हो गए मगर ये खुद संगठित नहीं होते। और हमको संगठित करके ये अपने ही बाड़े में, अपने ही दड़बे में, अपने ही संगठन में रखते हैं, और ये कहते हैं कि दूसरे संगठन में, दूसरे बाड़े में नहीं जाना है, उसका नेता बेकार है, उसका नेता घटिया है। यानी ये आपस में ही संगठन दुश्मन दुश्मन खेलते हैं, ये एक दूसरे के दुश्मन हैं। जिसको ये बाहरी दुश्मन बताते हैं वहाँ तक तो ये पहुँचते ही नहीं है, ये अपने ही संगठन के लोगों को, अपने ही जो इनके सामाजिक लोग हैं, जो बाबा साहब के सारे अनुयायी हैं, उनको ही आपस में लड़ाने का काम करते हैं। तो ये निर्णय लिया गया कि भाई हम आपस में क्यों लड़ें, ये नेता लड़ना चाहें तो लड़ें, हमें आपस में इकट्ठे हो जाना चाहिए। ऐसा सोचकर कुछ साधारण लोगों ने वी द पीपल के नाम से एक कार्यक्रम, एक मंच, एक मुहिम बनाई कि हम सारे पूरे देश के और देश के बाहर के जो लोग हैं जिनकी सोच ऐसी है कि हमको सब इकट्ठा हो जाना चाहिए, वो इकट्ठा होने शुरू हो गए और बहुत तेज़ी से इकट्ठा होने शुरू हुए। नेटवर्किंग होने लगी, डॉक्टर्स ने सब डॉक्टर इकट्ठे कर लिए, इंजीनियर सब इंजीनियर्स को इकट्ठा कर रहे हैं, वकील सब वकीलों को इकट्ठा कर रहे हैं, जो और कर्मचारी हैं कर्मचारियों को इकट्ठा कर रहे हैं, जो धम के लोग हैं वो धम को इकट्ठा कर रहे हैं, जो महिला हैं वो महिलाओं को इकट्ठा कर रही हैं। ऐसे ही सब ने अपना अपना काम बांट दिया और तेज़ी से वी द पीपल के नाम से इकट्ठा हो रहे हैं। तो इकट्ठा होने से फ़ायदा क्या होने वाला है? दरअसल जब भगवान बुद्ध ने काम शुरू किया और हमारे वेलफेयर के लिए, हमारे कल्याण के लिए और हमारे लाभ के लिए काम शुरू किया, तब वो अकेले थे और लोगों को इकट्ठा करते चले गए। उन्होंने एक संघ बनाया। उसके बाद में बाबा साहब ने एक रूपरेखा रखी, एक संविधान बनाया जो संघ पर आधारित था। सम्राट अशोक ने पूरा संघ, पूरा एक महाभारत बनाया जिससे हमारा वेलफेयर कल्याण हुआ, पूरा सबको इकट्ठा करके रखा। साहब काशीराम ने हमको इकट्ठा किया और जो हमारे संत और महापुरुष थे, जितने भी संत हैं, चाहे वो रविदास जी हैं, चाहे वो कबीरदास हैं, चाहे वो दुर्बलनाथ हैं, चाहे वो सतनामी हैं, चाहे वो गाडगे हैं, चाहे वो नामदेव हैं, जितने भी हमारे संत हैं, उन सब संतों ने हमसे कहा कि संगत करो, संगति में रहो, संगत में रहो, यानी कि आपस में बैठिए, मिलिए और इकट्ठे होइए। इस इकट्ठे होने का ही परिणाम ये था कि बिना नेता के 2 अप्रैल 2018 को जब हमारा एक अधिकार गया, तो सारे लोग जब इकट्ठे हुए 2 अप्रैल को, तो इकट्ठे होते ही वो अधिकार हमारा बच गया। संघ में शक्ति होती है, ये भगवान बुद्ध ने बताया है, इसलिए उन्होंने संघ बताया, संघ बनाया। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि यहाँ जो कार्यक्रम है वो है जोड़ो और जुड़ो, यानी कि पूरे भारत के जो लोग हैं, जो अम्बेडकरवादी हैं, जो फूलेवादी हैं, जो जितने भी गाडगे के जानने वाले हैं, नामदेव के जानने वाले हैं, रविदास के जानने वाले हैं, या वाल्मीकि महाराज के जानने वाले हैं, जो भी लोग हैं, जो भी इस मुहिम में समण समाज के लोग आते हैं, उन सबको इकट्ठा होना है। बिना इकट्ठे हुए कोई काम हो नहीं सकता। कोई भी काम आप करना चाहें, चाहे धर्म का करना चाहें, चाहे राजनीति का करना चाहें, चाहे आर्थिक करना चाहें, चाहे दलबल सेना युवाओं का कुछ करना चाहें, चाहे सामाजिक करना चाहें, उसकी पहली शर्त है कि आपको इकट्ठा होना है। ये लोकतंत्र है, ये डेमोक्रेसी है, इसमें संविधान के अंदर जो इकट्ठे लोग होते हैं उनका अधिकार उसी अनुपात में मिलता है और उसी अनुपात में बचता है। आप इकट्ठे होंगे तो आपके अधिकार, चाहे आपकी सरकार हो या ना हो, मगर आपके अधिकार बचेंगे और बढ़ेंगे और मिलेंगे। जो लोग इकट्ठे नहीं होते हैं, अलग अलग रहते हैं, उनके अधिकार अगर आते भी हैं तो वो बट जाते हैं, मिलते नहीं हैं, बेकार हो जाते हैं। ये जो संगठन है सारे के सारे, ये संगठन जो हमसे बार बार कहते हैं कि इकट्ठे हो जाओ, मगर इनको इतनी अकल नहीं है कि इनको खुद भी इकट्ठे हो जाना चाहिए। हमें बाहर के लोगों से परेशानी नहीं है, हमें जो ये लोग संगठन चला रहे हैं इनसे परेशानी है। सारे के सारे संगठन, इनमें इतनी समझ नहीं है, इतनी बुद्धि नहीं है कि ये इकट्ठे हो जाते तो हमारे अधिकार नहीं जाते, हम बच जाते, बच्चों की शिक्षा इतनी महंगी नहीं होती, बच्चों को शिक्षा मिल जाती, हमारे बच्चे बेरोजगार नहीं होते, उनको काम मिल जाता,
हमारी जो नौकरियां हैं वो सलामत रहती, हमारे जो गवर्नमेंट के सेक्टर डिपार्टमेंट है वो बिकते नहीं, हम देश विदेश में हमें मौका मिलता और हमारी शिक्षा और रोजगार आगे बढ़ता, इससे देश मजबूत होता और भारत में विश्व शक्ति भारत बनता। इसी सोच के तहत में हम जितने साधारण लोग हैं उन्होंने ये तय किया कि हम सारे नेताओं से कहेंगे कि आप इकट्ठे हो जाएं। 10% एनर्जी हम इस बात में लगा रहे हैं कि नेता इकट्ठे हो जाएं और 90% एनर्जी इस बात में लगा रहे हैं कि हम सब इकट्ठे हो जाएं। आप किसी भी स्ट्रीम के आदमी हैं, आपकी कैसी भी सोच है, आपका कोई भी एजेंडा है, आपका कोई भी काम है, मगर बिना इकट्ठे हुए वो होगा नहीं। आपको लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में काम होना चाहिए तो उसके लिए इकट्ठा होना पड़ेगा। आपको लगता है कि धर्म के क्षेत्र में कोई काम होना चाहिए तो उसके लिए इकट्ठा होना पड़ेगा। आपको लगता है कि बच्चों को नौकरी मिलनी चाहिए तो आपको इकट्ठा होना पड़ेगा। आपको लगता है कि आपको देश विदेश में जाकर कुछ काम करना चाहिए तो आपको इकट्ठा होना पड़ेगा। आपको लगता है कि आपकी महिलाओं को अच्छा खाना, अच्छा दवाई, अच्छा सब कुछ माहौल मिले तो आपको इकट्ठा होना पड़ेगा। आपको कोठी, कार, बंगला का अधिकार चाहिए तो आपको इकट्ठा होना पड़ेगा। बिना इकट्ठा हुए आपको कुछ मिलने का चांस है नहीं, कोई आपको देगा नहीं, क्योंकि लोकतंत्र में जो जितने ज़्यादा इकट्ठे होते हैं उनको उतना ही अधिकार मिलता है। इसलिए वी द पीपल में आप इकट्ठे होइए और इकट्ठे होकर अपने अधिकार को लीजिए। यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, ये लोगों का मंच है, लोगों के द्वारा है और लोगों के लिए है। ये जो रेगुलेट होता है इसके दो नियम हैं, ये भारतीय संविधान पर आधारित है। यहाँ व्यक्तिवाद नहीं है, यहाँ कोई व्यक्ति नेता नहीं है, ना ही व्यक्ति नेता रहेगा, यहाँ का नेता संविधान ही रहेगा। संविधान में जो लिखा हुआ है वही यहाँ अप्लाई करते हैं, उसी के तहत में ये गवर्न होगा, उसी के तहत में चलेगा। ये जितना भी है इसका प्लान भी वही है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में दिया है। जो लोगों को इकट्ठा करने का तरीका है ये वो तरीका है जो दुनिया का सबसे मशहूर तरीका है, जो सबसे पहला तरीका है जो भगवान बुद्ध ने संघ में अप्लाई किया, जिससे 50,000 टीचर का संघ बनाया, यानी विनय पीटक। तो यहाँ जो नियम चलते हैं वो विनय पीटक के हैं और जो संविधान के नियम हैं गवर्नेंस में वो चलते हैं, वो ओपन है, दोनों कोई भी पढ़ सकता है। यहाँ कोई ऐसा सिस्टम नहीं बना है जिसमें कोई व्यक्ति कल को अपनी इच्छा से पूरे संघ को कहीं मोड़ दे या बेक दे या इसको फेंक दे या घड़ दे। आदमी आएंगे, आदमी जाएंगे, जिसको मरना है मर जाएगा, जिसको रहना है रहेगा, मगर संघ वहीं का वहीं रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक व्यक्ति संघ का प्रधान बन जाए और फिर वो मर जाए या बिक जाए या हट जाए या कुछ हो जाए या भाग जाए या बदल जाए और फिर उसके बाद 30 साल तक हम एक व्यक्ति का और इंतजार करें। ये संविधान में नहीं लिखा हुआ है, संविधान में जो लिखा हुआ है वही इसके अंदर मान्य है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें और वी द पीपल का काम शुरू करें। आपका कोई भी संगठन है, आप कहीं भी हैं, वी द पीपल का लोगो लगाइए, वी द पीपल की डीपी लगाइए, अपने फेसबुक पे लगाइए, अपने व्हाट्सएप पे लगाइए। वी करके इसका होता है जो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। इसकी मीटिंगें जगह 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 चल रही हैं, आप खुद इसकी मीटिंग लगाइए। वी द पीपल में जो पोजीशन आपकी है, जो स्थान आपका है, वही स्थान मेरा है। हम सब यहाँ संविधान की निगाह में बराबर हैं और संविधान यहाँ पर लागू है, यहाँ कोई बड़ा और कोई छोटा है नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमको पहले ये काम करना चाहिए, हमको पहले वो काम करना चाहिए। अरे भाई, जिंदा रहोगे तो ये काम और वो काम होगा ना, जब जिंदा ही नहीं रहोगे तो करोगे क्या? अभी तो मौत दरवाजे पर खड़ी हुई है, तलवार लटकी हुई है, कभी भी तलवार ऊपर लटकी हुई कट के गिर सकती है, गर्दन को काट सकती है। तो आप बाकी एजेंडे जो बाकी आपका जो मिनिमम प्रोग्राम है या कोई प्रोग्राम है या कोई समस्या है उसको बाद में देखना, पहले इकट्ठे हो जाओ, क्योंकि अगर इकट्ठे नहीं हो जाओगे तो जिंदे नहीं रहोगे और जिंदे नहीं रहोगे तो कोई प्रोग्राम आपका रहेगा ही नहीं। कोई आदमी कह सकता है कि मैं बहुत बड़ा अफसर हूँ, मैं बहुत बड़ा पैसे वाला हूँ, मैं बहुत बड़ा डिग्री वाला हूँ, मैंने बहुत किताब लिखी है, मेरा बड़ा नाम है, मैं बहुत बड़ा नेता हूँ, मुझे 10,000 लोग सुनते हैं, मेरी ऐसे जय जयकार होती है, मेरी वैसे जय जयकार होती है, मैं यहाँ का प्रधान हूँ, मेरा ये संगठन है, मेरा वो संगठन है, मैं 30 साल से काम कर रहा हूँ, मैं 40 साल से काम कर रहा हूँ, मैं साहब काशीराम जी के समय से इसमें लगा हुआ हूँ, मैं फलाना लगा हुआ हूँ, मैंने बाबा साहब अम्बेडकर को देखा है, मेरे बच्चे दुनिया में इतने कामयाब हैं, मेरे बच्चे विदेश में सेट हैं, सब धरा रह जाएगा। जिसका समाज मर जाता है उन लोगों को खोद खोद के मारा जाता है। अब आप डॉक्टर, इंजीनियर, अफसर नहीं बन पाओगे, आप जो बन गए बन गए, आपकी पीढ़ी जो आप कमा के जा रहे हो वो खाएगी, उसके बाद में उसकी जो अगली पीढ़ी आएगी वो वहीं पहुंच जाएगी जहां से बाबा साहब ने उसको उठाया था। क्योंकि डॉक्टर बनेगा 1 करोड़ में,
इंजीनियर बनेगा 50 लाख में, तनख्वाह मिलेगी उसको 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, काम करना पड़ेगा 12 घंटे, नौकरी मिलेगी जात को देखकर, ज़मीन आपके पास है नहीं, फैक्ट्री इंडस्ट्री आपके पास है नहीं, कोई सोर्सेस आपके पास है नहीं, बड़े बड़े लोग आपके रिश्तेदार हैं नहीं। कोई आदमी ये सोचे कि मैं तो बहुत अच्छा कमा लिया, बहुत अच्छा है, बचा तो वो बाद में मारा जाएगा जब उसका समाज मर जाएगा। जिसका समाज मर जाता है उसका सब कुछ छिन जाता है। ऐसे ही छिना था हमारा। अशोक के समय 26% GDP में हम सारे मालिक हुआ करते थे, सारे पढ़े लिखे थे, अशोक के शिलालेख हम ही पढ़ते थे, हम ही पढ़े हुए लोग थे। मगर जब हमारा संगठन टूट गया, हम अलग अलग हो गए, संघ हमारा टूट गया जो भगवान बुद्ध ने बनाया था, तो हमारी हर चीज़ चली गई, शिक्षा चली गई, सेहत चली गई, पैसा चला गया, जमीन चली गई, जायदाद चली गई, व्यापार चला गया, सब चला गया। इकट्ठे हो गए तो फिर आ जाएगा। जैसे 2 अप्रैल 2018 को इकट्ठे हुए और एक अधिकार बच गया, अगर रोज इकट्ठे हो गए और सारे इकट्ठे हो गए और डेली इकट्ठे हो गए तो रोज एक अधिकार वापस आएगा और आपके सारे अधिकार आएंगे वापस और फिर आपके बढ़ने में शुरू हो जाएंगे। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती जो लोग इकट्ठे होते हैं। भगवान बुद्ध ने साफ कहा है, जब एक बार एक राजा ने अपने मंत्री को उनके पास भेजा, क्योंकि राजा एक प्रदेश पर आक्रमण करता था और हार जाता था, आक्रमण करता था और हार जाता था, उसने अपने मंत्री को बुद्ध के पास भेजा कि तरकीब पूछ के आओ कि मैं कैसे इस राज्य को जीतूंगा। भगवान बुद्ध चूंकि युद्ध के फेवर में नहीं थे इसलिए बात बताना नहीं चाहते थे, मगर उनसे प्रश्न किया था तो टाल भी नहीं सकते थे। तो उन्होंने उस मंत्री से मुंह हटाकर, मुंह फेर कर अपने भिक्कू आनंद की तरफ से कहा कि आनंद, जो व्यक्ति, जो समाज, जो वहाँ के जो लोग हैं, क्योंकि वो रोज़ मिलते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, जब तक वो आपस में मिलते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे, दुनिया की कोई ताकत उनको हरा नहीं सकती। ये 7 नियमों में से एक नियम है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारा समाज अगर रोज़ टेलीफोन पर मिलेगा, रोज़ हमारा अगर जूम मीटिंग पर मिलेगा, रोज़ गूगल मीट पर मिलेगा, रोज़ मोहल्ले में मिलेगा, रोज़ पड़ोस में मिलेगा, रोज़ मीटिंग करेगा, रोज़ आपस में बातचीत करेंगे, चाहे भूखे हों, चाहे कुछ हो या ना हो, मगर हार नहीं सकते, जीत जाएंगे, जुड़ेंगे जीतेंगे। जुड़ना है, जोड़ना है, यही दो काम हमें करने हैं। धन्यवाद। Thank you.